जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश नेमा फ्रॉम सबधानी कोचिंग। क्वेश्चन नंबर 23, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी है जो उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। आपसे बोला जाता है दे वर्क फॉर 5 डेज टुगेदर, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। तो बोला उसने 5 दिन काम किया दोनों ने मिलकर, तो कितना काम बच गया। इनका एलसीएम ले लो, 15 और 20 का एलसीएम 60, और इस 60 को हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल वर्क। कोई भी हम वर्क मान सकते हैं, एक्स वाई जेड आप मानते हो, तो मैंने इन दोनों का एलसीएम माना। 60 जो है ये कुल काम है। अब आपसे बोला गया इस 60 काम को ए करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 4। इस 60 काम को बी करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। अब दोनों मिलके काम करने आए, तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया 7। ये ए प्लस बी का वन डे वर्क। अब जब दोनों लोग मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और उन्होंने 5 काम कर दिया, 5 दिन तक काम कर दिया, तो उन्होंने जो वर्क फिनिश किया वो कितना होगा, हर दिन 7 काम और 5 दिन तक किया, यानी कितना काम कर दिया 35। 35 काम कर दिया कितने में से 60 में से, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा 25। तो आपसे बोला जाता है बताइए फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, तो 25 वर्क इज लेफ्ट आउट ऑफ 60। 5 से कटे गए 5 बार और ये 12 बार, तो 5/12 ऑफ फ्रैक्शन, 5/12 फ्रैक्शन ऑफ दैट वर्क इज लेफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5/12।